सभी YouTube चैनल वालों को, देखने वालों को जय श्री राधे। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं बुंदेलखंड का, जिन्हें रतन कहें, संगीत के गुरु आदरणीय पंडित श्री भगवत नारायण समाधिया जी। जैसा कि कहते हैं कि जब तक माँ भगवती की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ भी संभव नहीं होता, और सरस्वती की जब विशेष कृपा होती है तब आदमी अपने जीवन में फलता और फूलता है, ऐसा महाराज जी का कहना है। आइए हम महाराज जी से मुलाकात बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको प्रणाम, दंडवत। और आज हम आपसे संगीत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसा कि मुझे मालूम है कि आप बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं, और गले से घुंघरू जो एक कला होती है वो भी आप गले से घुंघरू बजाते हैं, तो उसके विषय में आप हमें कुछ हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, जहाँ तक संगीत की बात है, सृष्टि में दो ही भंग है, एक तो नाद भंग है, दूसरा शब्द भंग है। सृष्टि के आरंभ में है नाद भंग और शब्द भंग दोनों का प्राकृत्य हुआ। मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संगीत इस प्रकार जुड़ा रहता है जैसे शरीर से सांस। जब बालक का जन्म होता है उस समय भी उत्सव मनाया जाता है, माताएं बहनें गीत गाते हैं, और जैसा जैसा जीवन आगे बढ़ता जाता है तदनुसार संगीत भी उसके साथ साथ बिल्कुल अभिन्न मन के साथ रहता है। सामवेद साक्षात नाद भंग है, इसके द्वारा मुक्ति और भक्ति और भक्ति तीनों सहज है, तीनों संभव है और सुलभ है। बड़े बड़े ऋषियों ने अथवा बड़े बड़े भक्तों ने भगवान को भजन गा करके रिझाया। हो सकता है प्राणायाम जैसे साधना करने में प्राणी से कोई त्रुटि हो जाए, संभव है, परंतु संत तुकाराम जी हुए, मीराबाई हुए, कबीरदास जी हुए, सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, जितने ये महान कवि हुए हैं इन्होंने भजन के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से ही उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए बाध्य कर दिया। जितने भी वेद शास्त्र पुराण जो कुछ लिखे गए सब छंदबद्ध ही लिखे गए, तालबद्ध ही लिखे गए। तो हमारे आगे जीवन का सामवेद से बहुत बड़ा संबंध है। बगैर सामवेद के जीवन नीरस है। एक बार का ध्यान है, मैहर मैं था तो एसटी डेविड ने स्वर्गीय उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान साहब की पगड़ी जिनको बांधी गई थी, उन्होंने एक बढ़िया बात कही थी कि जो हृदय से जितना सुरीला होता है वो बाई नेचर भी उतना ही सुरीला होता है, क्योंकि सामवेद में सरसता है, सरलता है, उसमें कठोरता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। दूसरी बात, एक चीज आपको और बता दूं कि आज तक बहुत लोग यही नहीं समझ पाए कि शास्त्रीय संगीत की विधा है क्या। राग रागिनी ये कोई साधारण गाया जाने वाला गीत नहीं है, ये साक्षात देवता है, इनके अपने परिवार है। जब राग गाने से दीपक जल सकता है, पत्थर पिघल सकता है, वृष्टि हो सकती है, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वो साक्षात देवता है। हाँ, सामवेद की अपनी एक विधा है, उस विधा के द्वारा उन मंत्रों को अथवा उन शास्त्रीय गायन को हम प्रस्तुत करते हैं। बगैर सामवेद के संसार का कुछ भी नहीं है। और छोड़िएगा, जब जब पक्षी गायन करते हैं
अथवा चहचहाते हैं। सैकड़ों पक्षी जब जब अलग अलग स्वर में बोलते हैं तब उन स्वर को मिलाकर भी एक संगीत तैयार होता है जिसे कहते हैं कलरव गान। उसे कलरव गान के नाम से जानते हैं। तो नाद अपने आप में साक्षात ब्रह्म है। और ये भी मैं मानता हूं कि प्रयास करके इसका इसे परिष्कृत तो किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक एक डॉक्टर सब कुछ बना सकता है। दिमाग बदल देगा, शरीर की मशीन बदल देगा, यहां तक कि परखने वाली शिशु ही बना सकता है। लेकिन उससे कहो कि जिस स्वर तंत्र से हम स्वर निकालते हैं जो गाया जाता है, क्या उस स्वर तंत्र को बना सकता है? तो ये सरस्वती की देन है, ये परमात्मा की देन है, जो उसकी कृपा के बगैर संभव हो ही नहीं सकता है। गुरु के सानिध्य में रहकर के मैंने बस यही सीखा। बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहा, पंडित पन्नालाल जैन गोसाई, पंडित परशुराम पाठक और मैहर में एस टी डेविड आदि आदि बड़े बड़े जो संगीत के मर्म के लोग हैं, जो संगीत के साक्षात भगवान माने जाते हैं, उनके सन्निधि में रह करके मैंने यही सीखा था कि अगर संसार में जीना सीखना है, दूसरे का सम्मान करना सीखना है, तो पहले झुकना सीखो। बगैर झुके संगीत नहीं आया है। अधिक क्या कहना है। और हमारे ब्रजेश भाई जो सामवेद में विशेष रुचि रखी रहे हैं, और इनका यह प्रयास है कि किसी भी तरह से नाद रंग हो, वेद रंग हो, शब्द रंग हो, इन सब का प्रचार प्रसार हो, इनके विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। आज चैनल के माध्यम से ये मेरे पास आए तो मैं अधिक क्या कहूं, ज्यादा समय तो नहीं है। हमने पूज्य श्याम सुंदर पाराशर जी के साथ आ करके उनके आशीर्वाद से और बड़े बड़े महापुरुषों के आशीर्वाद से जो पीठ पर बैठने का साहस जुटा पाया, ये उनके ही आशीर्वाद का परिणाम है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने चाहे बांसुरी सीखी हो, चाहे हारमोनियम सीखा हो, चाहे भावथौरन सीखा हो, चाहे इसराइल हो, तबला हो, कोई कोई वाद्यंत्र हो, ये सब मैंने गुरुजनों की सेवा करके ही प्राप्त किया है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे प्रदान किया। इसमें मेरी साधना कुछ भी नहीं है। भला मैं क्या साधना करने का विलंब हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ अब मैं आपको ऐसे वाद्यंत्र के बारे में बता रहा हूं जिसका फिल्मी दुनिया में एक अहम स्थान है, जिसे हम लोग माउथ ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जो स्केल के अंदर माउथ ऑर्गन होता है, उसमें हम दसों भागों के सरगम को बजा सकते हैं। यद्यपि उसका बजाना बहुत कठिन है, सिस्टम से बजाना कठिन है, उसमें हमें राग रागने भी बजा सकते हैं, लाइट म्यूजिक भी बजा सकते हैं। जैसे कि लीजिए मैं आपको एक उसका नमूना प्रस्तुत करता हूं।
प्रकार से इन शब्दों का अभ्यास अनिष्ट के मंत्रों में करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी होता है। एक अनिष्ट में जिस तरह से बजते हैं उसी तरह से माउथ ऑर्गन भी बजता है और इसमें सारी चीजें बजती हैं जो अनिष्ट में बजती हैं। बजाने का अभ्यास होना चाहिए जैसे कृष्ण। चलिए हमारे वजह से की इच्छा है कि इसमें कोई धुन आप ना जाए तो चलिए हम एक भी बजाते हैं। और देखिए तबले पर हमारे धर्मेंद्र जी कौशल सिंह जिनके हाथ में बड़ा बड़ा आधुनिक है बड़ा साफ सुथरा बजा बजा रहे हैं और हमारे दाहिने हमारे प्रमोद कुमार जी बैठे हुए हैं जो जितना बढ़िया बजाते हैं उतना ही बढ़िया बाजा भी बजा बजा रहे हैं और उतना ही बढ़िया बाजा बनाते भी हैं। ये भी अपने फन में बहुत माहिर हैं और हमारे मनमोहन जी जो हैं वो तो सबके मनमोहन हैं सबका मन मोहते हैं इनसे चाहे जनाल बजा हो चाहे अबला बजा हो सब पर इनका अधिकार है। आई आई एक दिन में हमें आप पहुंचा रहा हूं छोटी सी ये कुछ साधारण बांस की बांसुरी नहीं है। भगवान शंकर ही बंसी के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान कृष्ण ने जिसे अपने हस्त कमल में धारण किया हुआ जिसे अपने अधरों से लगाया हुआ क्या वो साधारण बांस की बांसुरी हो सकती है। रुद्रांश का कारण भगवान शिव ही भोले बाबा के भोले बाबा गोविंद की सहायता करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए हैं। एक संत तो इस प्रकार का भाव देते हैं कि भगवान महाराज लीला के अंतर्गत काम देव पर विजय प्राप्त करना है और बंसी साक्षात शिव का स्वरूप है और भोले बाबा हमारे कहलाते हैं कामारी। इन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है काम को जलाकर के नष्ट कर दिया था। अष्ट कामदेव को विजय प्राप्त करने के लिए अथवा भगवान शंकर की सेवा करने के लिए भगवान ने वर्षी को धारण किया गया स्वयं भोले बाबा ही वर्षी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसमें
एक सुशील बार बार कहलाता है, इसमें अनहद नाम का बार बार क्यों होता है, जिसमें कोई आघात न किया जाए उसे अनहद नाद कहा जाता है। नाद का घोर प्रकार होते हैं, आइए हम आपको थोड़ी सी विशेष स्रोत कराते हैं। बालक के पैर में तो कितनी बारीक आवाज आएगी। और अगर वजनदार पैर में होगी तो
ये पायल की बात है। अब देखें आप छोटी साइज का घुंघरू कैसे बजता है। घुंघरू की बात सुने, मोटी साइज के घुंघरू जैसे बैलों के गले में बांधे जाते थे पुराने समय में, हमारे दादाजी वगैरह जानते होंगे, बहुत मोटी साइज का घुंघरू। वाला दूर चला जाता है तो आवाज कम हो जाती है और जब पास में आता है तो फिर तेज हो जाती है। कैसे? पायल, दोनों की बात अलग अलग देखना। और बढ़िया बात देखिए, अगर बजते हुए घुंघरू को आप वस्त्र में बांध दें, कपड़े में बांध दें या उसे दोनों मुट्ठी में बंद कर लें और फिर जब हाथ हिलाओगे तो उसमें जो कंकड़ पड़े होते हैं वो कंकड़ ही बोलेंगे, उसका जो वाइब्रेशन होता है, जो गूंज होती है, वो गूंज बंद हो जाएगी। एक घुंघरू होगा तो एक बोलेगा, बहुत होंगे तो बहुत बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कंकड़। मोटी साइज का घुंघरू होगा तो मोटी साइज के कंकड़ बोलेगा, पतला हुआ तो पतला बोलेगा। कैसे? आप वस्त्र को हटा दीजिए।